हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर टाइम सीरीज काल श्रेणी। जैसा कि इसके नाम में ही समाया हुआ है कि इसमें किसकी इम्पोर्टेंस होगी, टाइम की। तो टाइम सीरीज की डेफिनेशन यही होती है, जो ऐसे डाटा जिसमें टाइम साथ में हो, जो क्रोनोग्राफिकली रिप्रेजेंटेड हो। ठीक है, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, अ सेट ऑफ डाटा, अ सेट ऑफ डेटा, सीधा सीधा लिख लो, अ सेट ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन द टाइम, डिपेंडिंग ऑन द टाइम इज नॉन एज अ टाइम सीरीज। ठीक है, समांकों का समूह जो समय पर निर्भर हो काल श्रेणी कहलाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका टाइम सीरीज की डेफिनेशन। हमारे मॉड्यूल में या बुक्स में काफ़ी सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, जो आपको पसंद आया वो यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, अब जो डेटा है टाइम सीरीज का यूटिलाइजेशन है वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारा आपको बुक में दे रखा है। बेसिकली इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है, एक तो ये फोरकास्टिंग करने में काम आती है कि हाँ अभी तक का डेटा इतना था, अब फ्यूचर में कितना होगा। इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे और हमारे वही क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे मेनली। ओके, अब टाइम सीरीज के जो ओरिजिनल डेटा हैं वो बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। टाइम सीरीज का जो ओरिजिनल डेटा है वो बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या होता है वो देखते हैं। ओरिजिनल डेटा मूल समांक, ये चार पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, पहला क्या होता है, ट्रेंड वैल्यू, उपनति या प्रवृत्ति मूल्य। दूसरा होता है सीजनल वेरिएशंस, मौसमी परिवर्तन। तीसरा होता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, चक्रीय उच्चावचन। एंड चौथा होता है इररेगुलर फ्लक्चुएशंस, अनियमित उच्चावचन। ठीक है, तो बेसिकली जो ओरिजिनल डेटा है, मूल समंक जो है, वो इन चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेनली आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है वो इसी में से बनेगा, ट्रेंड वैल्यूज, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस और इररेगुलर फ्लक्चुएशंस। ठीक है, इन सब के बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे इसके डिटेल में आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, बस हम उसका कंसेप्ट समझेंगे। इसमें बेसिकली जो डिफरेंस होता है वही आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ भी काम नहीं आता है, सारा थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है और वही याद रखना है। काम की बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज काल श्रेणी के घटक, भैया टाइम सीरीज उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली जो हमने पढ़ा कि ओरिजिनल डेटा इनमें डिवाइडेड होता है, लेकिन प्रॉपर डिवीजन क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज काल श्रेणी के घटक, इसके बेसिकली दो
कंपोजिशन होते हैं रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर फ्लक्चुएशंस, इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। रेगुलर फ्लक्चुएशंस में क्या होता है, कुछ टाइम बाउंडेशंस होती हैं, उसके बाद रिपीटेशंस होते हैं, ठीक है। इस रेगुलर में दो पार्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड और शॉर्ट टर्म। पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की या सेकुलर ट्रेंड की। लॉन्ग टर्म ट्रेंड को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं टी से, ट्रेंड वैल्यू। ये ऐसे ट्रेंड होते हैं जिनको चेंजेस होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी, काफ़ी टाइम लगता है, कई बार काफ़ी नंबर ऑफ ईयर्स के बाद चेंज होती है पॉपुलेशन, ठीक है, किसी की हैबिट्स वगैरह, तो इन तरह के चेंज को काफ़ी सारा टाइम लगता है, नंबर ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो जो जिनकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, लॉन्ग ड्यूरेशंस के होते हैं, दैट इज़ नोन एज लॉन्ग टर्म ऑब्लिक सेकुलर ट्रेंड, हिंदी में दीर्घकालिक प्रवृत्ति। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन, अल्पकालिक उच्चावचन फ्लक्चुएशंस, उनसे कम टाइम लगता है। इसके दो पार्ट है, सीजनल वेरिएशंस, अभी आप लोगों ने लिखा ही था मौसमी परिवर्तन, इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करेंगे हम एस से, और साइक्लिकल इसको रिप्रेजेंट करेंगे सी से। सीजनल और साइक्लिकल में डिफरेंस क्या है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, इनके टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम होती है। सीजनल वेरिएशंस हमारे ट्रेडिशन, रीति रिवाज, परंपरा के अनुसार बदलते हैं या फिर आपके सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात वगैरह। तो सर्दी आती है तो क्या होता है, आइसक्रीम की सेल बढ़ती है क्या, कुछ लोग खाते हैं लेकिन थोड़ी डाउन हो जाती है सर्दी में, लाइट की सेल, लाइट का, या विंटर जो क्लोथ्स होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, उनकी सेल बढ़ जाती है। गर्मी में क्या होता है, समर सीजन में आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स की सेल बढ़ जाती है, हर गर्मी में बढ़ती है, ठीक है। जैसे ट्रेडिशन है, शादी का सीजन आ गया तो क्या होगा, आपके पास ज्वेलरी की डिमांड अचानक बढ़ जाएगी, फिर शादियां नहीं होगी तो ज्वेलरी की डिमांड डाउन हो जाएगी। तो सीजनल वेरिएशन में कम टाइम होता है। नॉर्मली सीजनल वेरिएशन वो वेरिएशंस होते हैं, वो फ्लक्चुएशंस होते हैं जिनकी टाइम ड्यूरेशन वन ईयर या उससे कम होती है। हमारे लिए हर साल एक टेंशन होती थी, हमारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम, वो भी सीजनल वेरिएशंस में आएंगे, हमारे फाइनल एग्ज़ाम, सॉरी गलत बोल गया, फाइनल एग्ज़ाम्स हर साल होते हैं, एक साल के अंदर अंदर होते हैं, तो वो किस में आते हैं, हमारे पास सीजनल वेरिएशंस में आते हैं। अब साइक्लिकल क्या है, है तो ये भी शॉर्ट टर्म। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं, जिनको नॉर्मली मान के चलिए 3 साल या 12 साल, 3 साल से 12 साल के, 3 ईयर to 12 ईयर्स के बिटवीन, 3 to 10 या 12 ईयर्स के बिटवीन का जो टाइम रहता है, वो किस में आते हैं, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस में। जैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कोई भी बिजनेस है, पहले प्रॉस्पेरिटी पे होता है, अच्छी खासी उसमें होती है, फिर क्या होता है, रिसेशन में आता है, कम होती जाती है सेल, फिर डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद की स्थिति में, फिर वापस आपके पास क्या होता है, फिर वापस किस में आता है, वो आपके पास बढ़ना चालू हो जाता है, इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। तो 4 तरह के होते हैं, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन और डिप्रेशन और रिकवरी। तो 4 तरह के चेंजेज होते हैं बिजनेस में, और इनको होने में 3 से 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आते हैं वो साइक्लिकल में आते हैं। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, सीजनल वेरिएशन जो 1 ईयर के अंदर चेंज हो जाएं, साइक्लिकल का नॉर्मल थ्योरेटिकल टाइम होता है 3 to 10 या 12 ईयर्स। बारी आती है इरेगुलर फ्लक्चुएशंस, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि अचानक नहीं, संडे की जगह होने वाला टेस्ट सैटरडे को होगा, तो अचानक चेंज हो गया, इरेगुलरिटी है ये, जिसका हमें पहले से कुछ भी पता नहीं हो, दैट इज़ इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। अचानक फ्लड आ जाती है, जैसे अचानक कोरोना आ गया, ये इरेगुलर फ्लक्चुएशंस, सारी इकोनॉमी डाउन हो गई, सब कुछ डाउन हो गया, शेयर मार्केट में अचानक डाउन आ जाना, अचानक होता है सब कुछ, किसी को पहले से थोड़ा पता होता है, तो वो आते हैं इरेगुलर। इसको डिनोट करते हैं आई से, इरेगुलरिटी, ठीक है। तो साइक्लोन आना, अर्थक्वेक आना, इस तरह के सारी चीज़ें, फ्लड आना, ये सब इरेगुलर में आते हैं। तो वापस रिपीट करते हैं, लॉन्ग टर्म जिनके टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम टी से। शॉर्ट टर्म में 2 टाइप्स हैं, सीजनल और साइक्लिकल, 1 साल से अंदर, 3 से 12 साल। इरेगुलर फ्लक्चुएशन जिसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके मॉड्यूल में, आपके बुक्स में इस तरह से डिवाइडेड ना हो, आपके मॉड्यूल में ओनली 4 पार्ट्स हों, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो वो भी सही है, ओके। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसकी थ्योरी आपको बुक से पढ़नी है, मेन कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, ओके।
आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज टाइम सीरीज मॉडल, काल श्रेणी निदर्श, ठीक है, प्रतिरूप भी बोल सकते हैं आपको, जो हमारे डिकम्पोजिशन है, मतलब इसके कंपोनेंट्स हैं, ट्रेंड वैल्यूज, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिक, इरेगुलर, उसके बिहाफ पर जो ओरिजिनल डेटा है उसको टू मॉडल्स में डिवाइड किया गया। ओके, तो दो मॉडल क्या है, इसमें कुछ नहीं पूछेगा आपसे, थ्योरी पूछेगा कि ये दो मॉडल्स के नाम जो मैं लिखने वाला हूँ, क्या इस मॉडल में क्या रिलेशन होता है, इस मॉडल में क्या रिलेशन होता है। फर्स्ट इज एडिटिव मॉडल, योगात्मक निदर्श, दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, गुणात्मक निदर्श। अब होता क्या है, बेसिकली जो ओरिजिनल डेटा होता है, मूल समंक जो है वो ट्रेंड वैल्यू, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर, इन सब के एडिशन के इक्वल होता है, ये हमारा एडिटिव मॉडल कहता है। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या कहेगा, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल भी यही कहता है कि जो ओरिजिनल डेटा है वो ट्रेंड वैल्यू, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर, इन सब के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ मैं। करना क्या है, सपोज कर लीजिए हम खाना खाने गए, हमने एक थाली सजाई, हम लेट पहुँचे थोड़ा खाना खाने, उसमें तंदूरी रोटी मिल गई आपको, सीजनल वेजिटेबल मिल गई, सी फॉर चाउमीन था और आई फॉर आइसक्रीम था, तो जो जल्दी गए उनको सब मिल गए, लेकिन जो लेट गए तो क्या हो सकता है उसको आइसक्रीम ना मिली हो और चाउमीन ना मिला हो। ठीक है, तो क्या वो तब भी खाना खा के नहीं आएंगे, आएंगे, गए हैं तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो एडिटिव मॉडल भी इसी तरह से है, सबका एडिशन तो है लेकिन अगर कोई कंपोनेंट्स, ठीक है, कोई कंपोनेंट इफेक्ट डालता है तो हम उसको ऐड कर लेंगे, अगर कोई कंपोनेंट इफेक्ट नहीं डालता है तो उसकी वैल्यू कितनी रख देंगे, I0 C0। ठीक है, तो इस तरह से एडिटिव मॉडल काम करता है। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे सपोज कीजिए मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होगा, हमने चाय बनाई, क्या बनाई, चाय बनाते हैं, टी लीव्स डाल दी, शुगर डाल दी, चाय मसाला डाल दिया, I4 अदरक सपोज कर लीजिए डाल दिया, हमने सब कुछ डाल दिया। ओके, अब सपोज कर लीजिए हमने शुगर ज़्यादा डाल दी, तो क्या उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी ओरिजिनल चाय पर आएगा, आएगा, मीठी हो जाएगी, शुगर कम डाल दी तो कम मीठी हो जाएगी, चाय मसाला ज़्यादा डाल दिया तो ज़्यादा मसालेदार हो जाएगी, अदरक कम ज़्यादा कर दिया या टी लीव्स चाय पत्ती कम ज़्यादा कर दी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इस पर आएगा। यहाँ पर क्या था, सब इंडिपेंडेंट थे, कोई इफेक्ट डाल रहा है तो उसको कंसिडर कर लो, नहीं डाल रहा है तो जयराम जी की, मतलब कुछ उससे कोई इफेक्ट नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक भी जरा सा ऊपर नीचे हुआ तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आ जाएगा, ओरिजिनल डेटा पर आ जाएगा। तो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का कंसेप्ट बेसिकली यही है डिपेंडेंसी के बिहाफ पर। ओके, अब आपसे बस इतना सा पूछेगा कि एडिटिव मॉडल में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या रिलेशन होता है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि टाइम सीरीज का जो मेजरमेंट है उसके मेथड्स क्या हैं, वो हम कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम सीरीज के जो मेजरमेंट है, आप इसको तब तक पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, टाइम सीरीज जो मेजरमेंट्स के जो मेथड्स हैं कि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड का ट्रेंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ मेथड हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है फ्री हैंड कर्व मेथड, मुक्त हस्त वक्र विधि। इसमें कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल ही आपके नहीं पूछने वाला, ईयर हुआ 2001, 2002, 2003, 2004
और प्रॉफिट हुआ 10, 12, 18, 15। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर लेते हैं ईयर को एक्स एक्सिस पर, टाइम हमेशा किस पर आएगा, एक्स एक्सिस पर, और जो भी ट्रेंड है वो किस पर आएगा, वाई एक्सिस पर। तो ले लिया 5, 10, 15, 20, 25, ये 1, 2, 3, 4। तो 1 में कितना है 10, फिर उसमें 2 में कितना है आपके पास 12, 3 में कितना है 18, फिर 4 में कितना है। तो बस ऐसे कर्व बना दो अपने, फ्री हैंड कर्व। तो इसी को फ्री हैंड कर्व मेथड बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड है ये है। सेकंड मेथड आता है, दैट इज सेमी एवरेज मेथड। क्या अर्ध माध्य विधि, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 प्रॉफिट है 10, 12, 15, 18, 10, 12, 15, 18, 20, 19, इस तरह से प्रॉफिट दे दिया। अब सेमी एवरेज मेथड में करते क्या, नाम क्या है, सेमी एवरेज। तो जो भी आपको टाइम दे रखा है उसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो हमने हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ऊपर वाले 3, नीचे वाले 3, तो इनका टोटल कर लो, एवरेज में तो टोटल ही करते हैं ना, तो इनका टोटल कर लो कितना आएगा, 5 और 2, 7 और 37। लेकिन जो टोटल आएगा वो हमेशा सेंटर ईयर के सामने लिखना है। इसका टोटल क्या आएगा, 9 और 8, 17 का 7, 1, 1, 2, 2, 4 और 5, टोटल आ गया। एवरेज निकाल लो, ये कितने ईयर का टोटल था, 3 ईयर का टोटल था, तो डिवाइड बाय 3 और इक्वल 57, डिवाइड बाय 3 और इक्वल, और आपका एवरेज ईयर कौन सा हो जाएगा, 2002, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2005। कुछ नहीं करना, जितने भी ईयर हैं उसको हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो, टोटल कर लो, जितने भी ईयर का टोटल हुआ है उसे कर लीजिए और एवरेज ईयर निकाल लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 37 डिवाइड बाय 3 ये आ रहा है 12.33 और 57 डिवाइड बाय 3 ये आ रहा है 19, ठीक है। तो बस आपके पास एवरेज ईयर ये आ गया और एक ट्रेंड बन गया ये, ओके। तो बस इसमें यही ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो आपने 3-3 तक कर लिए, अगर सपोज कर लीजिए मैं एक ईयर कम कर लेता तो क्या होता, न ऊपर 3 मतलब 5 है, तो आधे आधे कैसे करें। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे मैं एक साल और ले लेता हूँ, अब देखिए अब आधे आधे नहीं हो रहे, प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जो भी सेंटर वाला होगा उसे हटा दो। सेंटर वाला हटाते गए, अब देखो ऊपर 3 नीचे 3, सपोज कर लीजिए 4-4 साल होते, तो उसमें बस इतना से ध्यान रखना है कि जो टोटल आएगा वो लिखना सेंटर में है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ वही है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो हमारे मेन काम के हैं, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं, थैंक यू।